दोस्तों आरबीआई द्वारा मास्टर कार्ड इशू करने पर बैंकों को रोक लगाने को कहा गया है। तो दोस्तों आरबीआई ने ऐसा क्यों कहा और इसके पीछे रीज़न क्या है? तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न है आरबीआई द्वारा 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया वो लॉ, जिसमें ये साफ मेंशन किया गया है कि भारत में ऑपरेट कर रही हर डेबिट और क्रेडिट कार्ड कंपनी जो लोगों का डाटा कलेक्ट करती है, उसे भारतीय लोगों का डाटा भारत में ही स्टोर करके रखना होगा। लेकिन दोस्तों मास्टर कार्ड ने इस लॉ को इतना सीरियसली नहीं लिया और इस लॉ के अंतर्गत कोई भी मेजर स्टेप नहीं लिए, जिसकी वजह से आरबीआई को मास्टर कार्ड के ऊपर ये कड़ा एक्शन लेना पड़ा। तो दोस्तों आरबीआई ने मास्टर कार्ड के इशू पर रोक लगाकर सही किया या नहीं, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।